आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, परेशान हूं, बहुत ज्यादा परेशान हूं, चीजें ठीक नहीं हो रही, हो जूगी, सब हो जूगी, क्योंकि आज जो चीज के बारे में मैं बात करने जा रही हूं, आपको हिसाब नहीं। वो कहते हैं ना, पितृदोष तो हमने हमेशा ही सोचा है, पितृदोष है भाई। जैसे बुध शुक्र बृहस्पति, अगर उसका राहु केतु शनि दूसरे भाव सातवें भाव ग्यारहवें भाव में अगर संबंध आ गया तो वो क्या करता है, वो पितृदोष उत्पन्न करता है। पितृदोष जब उत्पन्न होता है तो क्या होता है, बच्चों की पढ़ाइयां भी पूरी नहीं हो पाती, शादियां टाइम पे नहीं हो पाती, संतान प्राप्ति का सुख नहीं मिल पाता, सीधी बात है ना। काम में बार बार झटके आते हैं, हर काम फेल होते चले जाते हैं, फादर साहब के कभी काम नहीं चले होते, हो सकता है एक टाइम पे राजा थे लेकिन हुआ नहीं, वो क्षण क्षण उनका जो ग्राफ है गिरता चला गया, उनका ग्राफ गिरता चला गया, तो बच्चों ने भी कभी भी वो कहते हैं ना, जिंदगी एक स्ट्रगलफुल बनती चली गई, ये मैं समझती हूँ बाबा। और मैंने ना पंजाब में जैसे कंसल्टेशन करती हूँ, तो पंजाब में एक पेटेंट डायलॉग क्या बोलते हैं, शाइना जी जैसे बच्चे के लिए कंसल्टेशन ले रहे हैं ना, शाइना जी पता नहीं जब कुछ अच्छा माहौल होने लगता है, कोई मंगल काम होने लगता है, स्यापा लेके बैठ जाता है, स्यापा लेके बैठ जाती है। ओ स्यापा लेके नहीं बैठ दी, ये जो क्या कहती है, जैसे बृहस्पति है ना, एक मंगल का भी पितृदोष होता है बाबा, तो वो क्या करता है, हर मंगल काम होने से पहले जैसे शादी हो गई, पार्टी हो गई, ये सब झगड़ा या तो हो जाएगा या तो कुछ अजीब सी न्यूज मिल जाएगी, आप समझे मेरी बात को। जैसे कई बार कंसल्टेशन करती हूँ है ना, तो मैं उनसे पूछती हूँ, जैसे बेटी की शादी के लिए पूछ रहे हैं, तो मैंने उनको पूछा कि आपका इस पीरियड से इस पीरियड में शादी फिक्स नहीं हुई, क्योंकि ये तो शादी का टाइम था। नहीं शाइना जी, ससुर की डेथ हो गई या बुआ की किसी की मतलब डेथ हो गई, फैमिली में डेथ हो गई, तो क्या हो गया, मंगल काम रुक गया ना बाबा। जैसे कुछ अच्छा माहौल होने लगता है तो कुछ अजीब सी न्यूज का फोन आ जाता है, मूड ऑफ हो जाता है, ये भी मंगल दोष का पितृदोष है, मंगल का पितृदोष है इनफैक्ट कहूं तो, है ना। चाहे जो भी है, मैं कहती जो भी है, अगर हमारी ये सारी चीजें हमको कहीं ना कहीं सिम्टम लग रही हैं, अजीब से घर पे उदासी है, अजीब से घर पे सूनापन है, पूरा पैकेज देने जा रही। लेकिन इससे पहले एक आपको अनाउंसमेंट कर दूं, एक तो अगस्त का जो एस्ट्रो वास्तु प्रोफेशनल कोर्स का वो है बैच है, वो अब बाबा फुल हो गया है, अब सितंबर का शुरू हुआ है, सितंबर के बैचेस शुरू हुए हैं, और इसमें इंट्रोड्यूस क्या किया, सेल्फ वास्तु कोर्स भी, जो सेल्फ बेसिक वास्तु कोर्स है वो भी शुरू हुआ है, वास्तु एक्सपर्ट प्रोफेशनल कोर्स भी शुरू हुआ है, और एस्ट्रो वास्तु प्रोफेशनल कोर्स भी शुरू हुआ है, और ये सब डिस्काउंट के साथ है, ताकि हर बंदा वो कहते हैं ना वास्तु एक्सपर्ट बने, फालतू में हर जगह गणपति जी इधर लगा दो, गणपति जी उधर लगा दो, एंटी एलिमेंट के बल्ब जला दो, फालतू के ये कोई गड़बड़ काम ना करे, सीधी बात है। तो सितंबर के बैचेस जो हैं, अब उसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो रही है, इस मंथ जो रजिस्ट्रेशन करता है उसके लिए डिस्काउंट है, तो मेरे को व्हाट्सएप करना, अगर रिप्लाई नहीं आया तो एक बार फिर से मैसेज कर देना, क्योंकि बाबा इतने हजारों मैसेजेस में पता नहीं चलता, सीधी बात है। आपको पता है क्या करना है, आपको एक पहली चीज, जो हमारा क्या कहते हैं, जो दक्षिण की दशा है ना, जो दक्षिण की दिशा है वो होता है यम का स्थान, आपको मैंने हमेशा समझाने की कोशिश की है, वहां पर हमने क्या करना है, लाल सूती कपड़ा, लाल सूती कपड़े के अंदर आपने क्या करनी है, 9 पोटलियां बनानी है, 9 पोटलियां किसके, उसके अंदर क्या रखोगे, देसी खांड रखोगे, देसी खांड की पोटलियां बनाकर ये जो है इसको एक गट्ठर में बांध के, जैसे लाल उसमें लपेट के, जैसे हम पोटली सी नहीं बना लेते होते, वो यम के स्थान में, मतलब साउथ डायरेक्शन पे छत के ऊपर रख दो। अब अगर छत नहीं है तो साउथ में कोई बाबा अलमारी होगी या कुछ फट्टा सा लगवाकर वहां पर स्थापित कर देते हो, बहुत अच्छा बेहतरीन वाला काम ये करेगा। ये जो आप कहते हैं ना 2 दिन की आपको खुशी मिलती है और कहते हैं ना पूरे साल का गम मिलता है, ये मेरा ओपन चैलेंज है, क्योंकि ये एक एस्ट्रो वास्तु रेमेडी है, जहां पर हम लोग ज्योतिष को और वास्तु को जब कंबाइन करते हैं तो उससे क्या होता है, तो ज्योतिष में जो अगर नेगेटिव इफेक्ट वो ग्रह दे रहा है
उसकी वस्तु को अगर उसके स्पेसिफिक डायरेक्शन में यम के स्थान में स्थापित करते हैं तो वो जो ऊर्जा उठती है हर रात को, कहते ना कुछ ना कुछ गम देने के लिए, उसको पिछाड़ दोगे, उसको पिछाड़ दोगे। एक और चीज बताती हूं, फादर साहब है सब चीज का, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को कोई कुछ कुछ भी बोले, है ना, आपके ना आपके ये दुख संकट, ये कहते हैं ना जो जो पीढ़ियों दर पीढ़ियां लोग, बच्चे लोग, आप कहीं ना कहीं भुगतते आए हो ना, उसको पिछाड़ मारो तो मेरा नाम शाइना सेठ नहीं। मैं इतनी बड़ी बात ओपन चैलेंज दे रही हूं आपको, और आपने ये आज तक कभी नहीं सुनी होनी, सीधी बात है। आपने पता है क्या करना है, आपने ना थर्सडे वाले दिन पंडित जी को बुलाना है, जो पुरोहित जी होते हैं ना अपने मंदिर में, उनको बुलाना है, एक हवन उनके हाथों से करवा दो, या मैं कहती अगर उनके हाथ से हवन नहीं करा सकते तो हवन खुद कर लो, है ना, किसका करोगे, बस गायत्री मंत्र का कर दो या ओम ग्राम ग्रीम ग्राम सा गुरुवे नमः, इसका भी करा सकते हो, उनसे भी करा सकते, सीधी बात उनसे करा लो, बहुत बढ़िया रहेगा। और उनको घर पे मैं चाहती हूँ कि भोजन कराओ और उनको वापस छोड़ने जाओ। अब जब हम छोड़ने जाएंगे वापस, तो हम बादाम लेके जाएंगे, बादाम लेके जाएंगे, बादाम वहां पर चढ़ाएंगे, थोड़ी देर उधर बैठकर ओम नारायण नमो नमः, ओम नारायण नमो नमः, या फिर ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः का जप करेंगे, एक माला पांच माला उधर बैठ के, पास लोगों उधर बैठ के बाबा। उसके बाद जो बादाम होंगे, है ना, वो उठा लेंगे, जो हमने मंदिर में रखे थे ना, मंदिर में रखना है, कहीं पर भी रख देना, गणपति जी के आगे रख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो बादाम लेके आएंगे और घर पे रखेंगे, घर के मंदिर में इनफैक्ट रखेंगे, ठीक है, और पड़े रहो उस दिन पड़े रहने दो। अब अगले दिन जाकर सुबह 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 मैं कहती सूर्य उदय के 48 मिनट्स के भीतर भीतर अगर चले जा तो बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। ये किसी बांट दो, जो भी मिले बांट दो, कोई बात नहीं। ये अगर आपने 43 बृहस्पति वार अगर कर दिए, आप भी उधर बैठे हैं, हम भी इधर बैठे हैं, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो है कि नहीं, तो आपको पता ही नहीं है। आपको मैं एक बात बताऊं, मैं सच्ची कह रही हूं, है ना, कुछ लोगों की जो लाइफ होती है ना वो ऐसा नहीं, वो जिस दिन से पैदा होते हैं वो स्ट्रगलफुल होते हैं, या हो सकता है शुरू के 2-3 साल बच्चे के बड़े अच्छे गए हों, और जब बड़ा होना शुरू होता है कभी एक कभी दूसरी, मतलब पीड़ा पीड़ा पीड़ा, इतनी जिम्मेवारियां, कई बार अनवॉन्टेड, मतलब क्या बोलूं, फिर गिरेगा, फिर मुंह की पटकी गिरेगा, फिर उठेगा। और कहते हैं ना अपना 100% दे दो, आपको आपको क्या मिलेगा, 5% 10% बस जी, रोटी पानी चल रही है बस इतना, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। के ख्वाहिशें होती हैं, ये होना चाहिए वो होना, उन बच्चों की उन बंदों की बेचारों की ख्वाहिशें ही मर जाती, उनको पता ही नहीं कि ख्वाहिशें होती क्या है, बस जी डे टू डे अपनी लाइफ काट रहे हैं तो काट रहे हैं, मतलब ऐसा। और मैं बोलूं आपको, कहां गई मेरी क्या कहती हैं बाबा, घर के जितने मेंबर हैं ना, त्रिधातु की अंगूठी पहन लो, मतलब सोना चांदी तांबा, ये जो मिक्स करके सोना चांदी तांबे की रिंग फिंगर में, मैं कहती पहन लो, रिंग फिंगर में पहन लो, आप समझ गए, या फिर फर्स्ट फिंगर में पहन लो, कट फर्स्ट फिंगर में पहन लो तो कट वाली पहनोगे, इधर भी कट वाली पहनोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जितने घर के मेंबर हैं त्रिधातु की एक अंगूठी पहना दो, हमारा काम हो गया, थर्सडे को करेंगे, वो हम लोग यम के स्थान पे दक्षिण दिशा पे स्थापित कर देंगे। मैं कहती एक दक्षिण दिशा में सुबह और शाम पंचमुखी दीपक, पांच बाती वाला जो दीपक होता है, सुबह भी चलेगा शाम को भी चलेगा, शाम को कब चलेगा, प्रदोष काल सूर्य अस्त के 48 मिनट्स के भीतर भीतर एक जला दो, बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। घर में गौमूत्र के पोछे लगवाने शुरू कर दो रेगुलरली, तो जितना राहु का भी प्रकोप है वो भी हमारे घर से हटेगा। ले पूरा पैकेज दे दिया, पूरा पैकेज दे दिया। चलो ठीक है, अब मैं जाती हूँ, ध्यान रखो अपना, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक करो अगर आपको अच्छी लगी, और शेयर करो, शेयर तो इसलिए करना बनता है सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय, नमस्कार।